हेलो नीट एस्पिरेंट्स, मैं 5 वर्ष सिलचर मेडिकल कॉलेज का एक सेकंड एमबी का स्टूडेंट आप सबको स्वागत करता हूँ नीट टेस्ट सीरीज के आज के सोल्यूशन वीडियो में। हम लोग हर एक नीट टेस्ट सीरीज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनते हैं और उनके ऊपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, और उनके सोल्यूशन के साथ साथ उनके रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो प्रोबेबल और भी क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शंस हो गए, उसको भी डिस्कस करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या फायदा आपको क्या होगा कि आपका क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन के साथ साथ सब टॉपिक भी रिवाइज हो जाए, एकदम कंसाइज भी आपका चैप्टर भी आप रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, हैप्पी लर्निंग। तो चलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड सबसे फर्स्ट चैप्टर है और इससे एक एक क्वेश्चन तो पक्का है, एक क्वेश्चन हर साल आता है, कभी कभी अगर आपका किस्मत अच्छा है तो 2 क्वेश्चन पूछ जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए। लेकिन ये पढ़ना है, ये पढ़ना है क्योंकि ये इजी है, एक जो क्वेश्चन आएगा वो एकदम इजी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर, पेयर बोला है, यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमिकल की, टैक्सोनॉमिकल की में जो पेयर वो बोला जाता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, कपलेट या डबल, डबलेट, कपलेट या डबलेट। ठीक है, इसको बोलते हैं कपलेट। ठीक है, आंसर है कपलेट। अब बोलोगे कहाँ है कपलेट लिखा, हर एक देख इसका पेयर को बोलते हैं कपलेट और हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को बोलते हैं लीड, हर एक सेंटेंस को बोलते हैं लीड और दोनों को मिला के बोलते हैं कपलेट। ठीक है, ये भी वही है, ये वही क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि रिसेंटली हटाया है और इसमें और कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम तुम्हारा शीट होता है, हर्बेरियम शीट होता है, तो हर्बेरियम इट इज ए प्लेस ड्राइड ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन द शीट आर केप्ट। ठीक है, हर्बेरियम 3, 1, 3 दो ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 2 एंड 4। हाँ, की क्या है, इट इज लिस्ट दैट इन्यूमरेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन इंडिया विद द ब्रीफ नेम की होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, 2 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट करेक्ट सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो हम लोग का देश का वह है, सबसे अच्छा फ्रूट है। ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, जनरली पहले डिस्क्राइब किया जाता था, तो लास्ट में जो जिसने नाम दिया है इसका क्लासिफिकेशन, इसका नाम लास्ट में लिखा जाता है, यानी कि नेम लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए मैंगीफेरा इंडिका और लास्ट में लिनियस आ जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे इधर क्वेश्चन नंबर 4, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में द ग्रोथ इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम द इनसाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अंदर से ही ग्रो करेगा, बाहर से थोड़ी ग्रो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा बाहर से ग्रो करता है, ये बाकी दो गलत है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हु इज नोन एज द डार्विन डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी ये कौन है, अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, देखो इधर से यहाँ से भी क्वेश्चन, हर चैप्टर के पहले जो ऑथर का नाम दिया है, जैसे कोई साइंटिस्ट का नाम दिया है, तो वो देख लेने का, अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ द कलेक्शन होता है, हाइट ऑफ द प्लांट नेम, हाइट ऑफ द प्लांट नेम, बाकी सब होता है, सिर्फ हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या शो करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन, ये भी इवोल्यूशन, तीनों शो करते हैं, तीनों शो करते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन अगर नहीं होता तो हम लोग ग्रो कर पाते क्या, नहीं मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब क्या, रिप्रोडक्शन, मतलब हम लोग अपना प्रोटीन दे पाते क्या, नहीं दे पाते, तो सेल्फ रेप्लिकेशन है। उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल सिस्टम, अगर कोई मेरे को थप्पड़ मारा मैं उसकी तरफ देखूंगा या गुस्सा होऊंगा या फिर उसको खींच के और 2-3-4 चाटा मारूंगा, है कि नहीं, तो ये हो गया कि रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन, देखो हम लोगों का
इवोल्यूशन भी हम लोग जब पे मांगे से उसके बाद इवॉल्व होके हम लोग इंसान इंसान होते। तो सबका एक इवोल्यूशन होता है, ठीक है। इवोल्यूशन के अगर नहीं होता तो हम लोग अभी जिंदा ही नहीं होते, ठीक है। क्योंकि आइस एज के बाद हम लोग, आइस एज भी आया, हम लोग जानते हैं कि आइस एज भी आया है, आदमी आइस एज में भी इंसान थे, उसके बाद बहुत डेजर्ट में भी इंसान थे, ठीक। तो अगर इवोल्यूशन नहीं होता तो हम लोग एक्सट्रीम और दोनों कंपेटेबल नहीं होते, इवोल्यूशन होता है। उसके बाद क्या है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी। देखो, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एक्सक्लूसिव। देखो, अगर मान लो आपका स्टेराइल कोई कपल है तो वो लोग रिप्रोड्यूस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ग्रोथ में बोला है, ग्रोथ नॉन लिविंग का भी होता है। मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट तो मान लो कि मूवमेंट, देखो मूवमेंट अगर बहुत सारे पत्ता भी, अगर पत्ता उड़ के जाता है तो उसका मूवमेंट होता है कि वो क्या मतलब लिविंग बींग का वो हो जाएगा। या फिर अगर पानी में पत्थर होता है, पत्थर भी तो मूव करता है, एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाता है। ये सब नहीं होता है, एक्सक्रीशन ये सब नहीं होता। रेस्पॉन्सिवनेस टू टच एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये है नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर देखिए प्लांट इज लिविंग, अगर मिनमोसा पुड़के जो है उसको आपको टच करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, अपना पत्ते को क्लोज करेगा। अगर तुम मेरे को टच करोगे, तुम्हारे तुम्हारी तरफ क्या होगा, देखूंगा ना, ऑब्वियसली। तो ये होगा इंटरेक्शन विद ऑर्गेनिज और एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक। ये जरूरी नहीं है, ठीक। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ कुछ चीज है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि आर्किया बैक्टीरिया, उनका इवोल्यूशन हुआ ही नहीं। उनका वो जैसे प्रिमिटिव थे वैसे प्रिमिटिव आज भी है, इसका मतलब वो लिविंग नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आंसर हो गया सी। अच्छा, मैं एक बार माइक चेक कर लेता हूँ। माइक कभी कभी क्या होता है, माइक का मेरा बंद हो जाता है, ठीक है, तो मैं माइक के बीच में चेक कर लेता हूँ। Which two points are known as the twin characters of the growth? देखो, twin characters of the growth बोला है। Growth क्या होता है, या फिर मास बढ़ेगा या फिर रेप्लिकेशन होगा, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, वन एंड थ्री। वन एंड थ्री कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच कनेक्टेड कनेक्टेड विथ कैरेक्टराइजेशन नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन कौन सा है, टैक्सोनॉमी ऑब्वियसली। फर्स्ट चैप्टर, पूरा चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर है ये कौन किसके ऊपर लिखा गया है, टैक्सोनॉमी, ठीक। कौन है करेलस, नहीं, उसके बाद क्या है फैमिली डिवीजन, ये सब दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही उल्टा पुल्टा कर दिया, ये हो गया, ठीक है। द इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, देखिए इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ कहाँ लोकेटेड है, दो दो है इंडिया में, नेशनल बोटेनिकल गार्डन और इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। ये देखो, लखनऊ में एक, एक लखनऊ में है, एक हावड़ा में, ठीक है। हावड़ा में शायद ये नेशनल है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, और लखनऊ में है आपका ये क्या बोलते हैं, लखनऊ में आप लोगों का है इंडियन बोटेनिकल। आंसर क्या हो जाएगा बी। चलो, ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ, देखिए म्यूजियम जो होता है क्या कलेक्ट करता है, डेड एनिमल्स, फ्रीजर प्लांट, फ्रीजर एनिमल्स, ठीक है, और उनका स्क्रिप्चर्स या फिर और उनका फोटो, ठीक है, वो कलेक्ट करता है। फ्रीजर प्लांट्स, हाँ, फ्रीजर एनिमल्स, हाँ, स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, हाँ, तीनों, चारों मतलब तीनों, ठीक है, क्या हो जाएगा बी। जूलॉजिकल पार्क इज अ प्लेस वेयर, जूलॉजिकल पार्क जो है, जूलॉजिकल पार्क क्या है, वो क्या होता है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उन लोगों को हम लोग उनके हैबिटेट मतलब उनको उनके हैबिटेट में उनको बंद करके रखते हैं ताकि वो एक्सटेंड ना हो जाए, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स एंड केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर द ह्यूमन केयर, वी कैन लर्न अबाउट द वाइल्ड एनिमल फूड हैबिट। ये ऑब्वियसली अगर हम लोग किसी क्यों एक्सटेंड हो रहे हैं वो भी देखेंगे ना, पढ़ाई करेंगे ना उसके ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये कहाँ मिलेगा आपको, अगर आप वो जो चार्ट दिया गया है उसमें देखेंगे तो ये सब मिल जाएगा, ठीक। मैन क्या है,
मैन, फाइलम, क्वाड्रेटा, ठीक है। हाउसफ्लाई क्या है? हाउसफ्लाई टाइगर क्या है? टाइगर देखेंगे ऑर्डर कार्निवोरा। उसके बाद मैंगो, मैंगो 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 तो हाउसफ्लाई तो मैंगो सा है, मैंगो शायद ये है और स्वीट शायद भी है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, मैन फोर, ए फोर दो दिया है, बी बी 5 एंड 2 दिया है, ये नहीं होगा। सी क्या है? सी 3, अच्छा सी 3 है, डी 1 है, ठीक है। ओ ये तो एकदम ऐसा दे दिया, ठीक है। हम लोग देखते देखते क्या, नहीं ये डी 1 एंड 4 दिया है, डी 1 एंड 4, ये डी 1 एंड 4 है, ठीक। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि टाइगर क्या है? क्वाड्रेटा के अंदर भी आता है और उसके बाद ऑर्डर कार्निवोरा है, ठीक है। फाइलम, फाइलम क्वाड्रेटा है इसका, टाइगर का, और ऑर्डर कार्निवोरा है, ठीक। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बोला है, गलत कौन सा है? इस स्टेटमेंट इनकी इज ए लीड, ये तो सही है। टेक्सोनॉमिकल कीज आर द टूल्स दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। हाँ ये भी सही है। ICZN stands for International Code for Zoological for of नहीं for है, for Zoological Nomenclature। हाँ ये भी सही है। Unsmear use the system of nature as a title of his publication। ये हम ये तो लास्ट का दोनों, ये ICBN क्या लिखा है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल, और अर्नेस्ट मेयर ने उनका नाम, बुक का नाम क्या दिया था? ये फॉर है, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग? फिर से एक्सक्लूसिव परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। हाँ ये इंक्रीज इन मास क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ तो है नहीं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिकल रिएक्शन इन विट्रो, ये भी देखो, किसी नॉन लिविंग चीज के अंदर रिएक्शन होता है ऑब्वियसली। अगर दो रॉक्स, एक तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का रॉक अगर एक साथ आ जाए, वो भी रिएक्शन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट की कैरेक्टर के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड होके वो भी रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, इंक्रीज इन मास होता है इसलिए, ये भी नहीं हो सकता। परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, अगर कोई चीज होता है तो हम लोग याद रखते हैं और उसको वो करते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज़ क्यों? मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसा नहीं, ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ। भाई ग्रोथ का तो बारे में बोला ही नहीं है, तो ये भी नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स शो रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं। ऑल लिविंग सो स्मॉल पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव, हाँ ये सही, क्योंकि सब देखो हम लोगों का एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है, हम लोग 50 साल के बाद रिप्रोड्यूस नहीं करते, लड़कियाँ रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। और 18 साल पहले, मतलब 18 अराउंड 15 15 साल से पहले कोई रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। सबका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसके बाद वो उसके आगे या पहले, उसके आगे या बाद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज क्यों? क्यों नहीं ले सकते? ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, ये नहीं है, ये तो सब थोड़ा थोड़ा बहुत तो ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड नहीं आउटसाइड, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो कैन ग्रो, ये आंसर होगा सी। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये नहीं, सब ऑर्गेनिज्म करता है रिप्रोडक्शन। एक स्पीसीज के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म अगर नहीं कर रहे, कुछ स्टेराइल बोल रहे, ठीक है, लेकिन वो एज ए स्पीशीज अगर देखेंगे तो वो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोला है दोनों, मोनोग्राफ एंड फ्लोरा दोनों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव, देखो कलेक्शन, बॉटनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स का सेम मोटो है, सेम प्रिंसिपल है, कि जो एंडेमिक है,
एंडेमिक है जो एकदम जाने एक्सटिंक्ट होने वाले, उनको प्रिजर्व करते हैं। इसीलिए देखो हम लोग अगर आसाम में जाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, उनमें क्या कहा, जूलॉजिकल, वो भी एक जूलॉजिकल पार्क, मतलब जूलॉजिकल पार्क है, हो गया मतलब एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है जैसे हाथी है, वन हंड्रेड राइनो, उनको प्रिजर्व करना है। और कैसे प्रिजर्व करना है, उनकी हैबिटेट में प्रिजर्व करना है। ठीक है, अगर कोई उनको उधर से उठा के लेके आए तो वो डिफरेंट नाम। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया। बोटानिकल गार्डन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो प्लांट है उस स्पीशीज का एंडेमिक प्लांट है या फिर उसी चीज में मिलता है, उसको उस रीजन में मिलता है, उसको बोलेंगे हम लोग एंडेमिक लिविंग स्पीशीज। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज ऑनली, ठीक है, एग्जोटिक नहीं है, एंडेमिक एग्जोटिक नहीं है, कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स, ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर द यूनिट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेटेड एज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी ऑफ फैमिली, फैमिली के अंदर कौन सा सफिक्स लगता है, तो ये हम लोग देख लेंगे। कहा है फैमिली के, अगर नए एडिशन में एकदम मुझे फैमिली में अगर देखेंगे ए सी ए सी इसका सफिक्स है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सी, और ए एल इस, ए एल इस जो है वो है हमारा ऑर्डर का। ये देखिए अगर आप लोग देखेंगे इसमें देखेंगे ऑर्डर में क्या है, ए एल इस चलो दिया हुआ है, आई थिंक चलो दिया नहीं है तो ये ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, कि हर प्लांट के देखेंगे तो ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंगीज एग्जिबिट क्या करता है, प्लांट्स एनिमल्स फंगीज एंड माइक्रोब्स, देखो ये सब क्या है, और रिप्रोडक्शन करता है ऑब्वियसली, ग्रोथ ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास, मास ऑन ग्रोथ ग्रोल करता है, मास भी होता है वो भी होता है। ठीक, मेटाबॉलिज्म, यस दोनों मेटाबॉलिज्म करता है, और सेल्फ कॉन्शियसनेस सब दिखाते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये क्वेश्चन कुछ गलत है, ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट एग्जिबिट, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन है एग्जिबिट ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ एक्सेप्ट एक्सेप्ट हमारा ग्रोथ इन इंक्रीज इन मास ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, ओनली नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, ओनली नहीं, ये मास एंड अगर होता एंड रिप्रोडक्शन होता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ऑलरेडी बोला गया है, तो सभी रिप्रोडक्शन करता है, एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करता है, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करता है, फंजाई तो करता है, माइक्रोब्स भी करता है, सभी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो कैसे, मतलब अपने प्रोजेनी को कैसे वो करेंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल्स कौन, ये छोड़िए ये नहीं आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गलती कर गलती से मैंने दे दी, ठीक है, छोड़िए ये नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी देखना है तो ये देखिए, इसका आंसर आ जाएगा कि हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन गिवन एरिया। ठीक है, एनिमल्स के लिए नहीं होता है ये एनिमल्स लिखा हुआ है इधर, इधर एनिमल्स लिखा हुआ है तो एनिमल्स के लिए नहीं होता है ये, हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन गिवन एरिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, आईसीबीएन स्टैंड फॉर, आईसीबीएन आईसीबीएन देखिए फॉर, ये इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, मतलब बायोलॉजिकल नंबर क्या लिखा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल, ये बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर तो नहीं होता, बायोलॉजिकल नोबेल लेवल भाई क्या क्या दिया है, बायोलॉजिकल नेमिंग, बायोलॉजिकल नेमिंग नहीं होता, बायोलॉजिकल बोटानिकल नोमेनक्लेचर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आंसर सॉरी ए नहीं, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो इसमें गिने चुने कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम फैमिली में क्या है, फैमिली में क्या है, ठीक है,
मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा उसमें, ठीक। विच ऑफ द बॉटनिकल नेम इज रॉन्गली लिखा। देखो बॉटनिकल नेम का एक तरीका होता है, एक तो इटैलिक्स में लिखना, अगर हाथ से लिखना है तो पहले तो अगर कंप्यूटर लिख रहा है तो इटैलिक्स में लिखना चाहिए, इसमें इटैलिक्स में दिया नहीं है, ठीक है। ये सब छोड़ते हैं, इटैलिक्स में लिखना है, या फिर आप अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन होना चाहिए। दूसरी बात, पहला जेनस का नाम कैपिटल में होना चाहिए और स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक। और देखिए इसमें क्या दिया गया, रॉन्गली रिटन, इसमें ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें देखिए ये स्पीशीज का नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इंडिका लिख दिया, आई एन डी आई सी, लेकिन क्या होना चाहिए, आई एन डी आई सी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी गो फ्रॉम हायर स्पीशीज टू किंगडम, ठीक है, हम लोग ऊपर जाते हैं स्पीशीज से, स्पीशीज से ऊपर जाते हैं किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, जितना कॉमन कैरेक्टर होगा ऊपर जाते वो बढ़ेगा कि घटेगा। देखो मेरे चार हाथ है, एक नाक है, एक वो, ये कॉमन कैरेक्टर सब कोडेट्स में, मतलब जो टेराकोट्स है उनमें सब, जितना ऊपर जाएंगे उतना कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किंगडम से नीचे आए तो ब्रॉडली देखो कैरेक्टर्स क्या होता है, कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, बढ़ते हैं घटते हैं, हम लोगों को कैसे पता चलेगा, हम लोग अगर ले दो कैरेक्टर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते तो हम लोग देखेंगे, फिर सर से ये गलत बोला है, ऊपर जाएंगे तो करेक्टर्स कॉमन करेक्टर्स क्या होगा, घटेगा, मतलब एकदम डिमिनिश नहीं होगा, थोड़ा घटेगा, ठीक है, मतलब घटता घटता हुआ जाएगा। जैसे कि मान लो हम लोग का क्लोजली रिलेटेड फैमिली कौन सा है, एप्स है, एप्स सोच सकते हैं क्या, सोच सकते हैं लेकिन वो हमारी तरह उतना सोच नहीं सकते, थोड़ा कम्बिनेशन एकदम ऑलमोस्ट सेम, उन लोग का बाल है थोड़ा बॉडी में, हम लोग का बाल नहीं, ठीक, तो थोड़ा थोड़ा कनेक्शन है, थोड़ा सा सबसे ज्यादा मिल रहा है किसे, हमारा और एप्स का। लेकिन अभी मैं अगर तुम्हारा एक मोलस्क मोलस्का से अगर कंपेयर करूँ, वो भी तो एनिमिलिया के अंडर आता है, वो भी तो एनिमिलिया के अंडर आता है, तो क्या हम लोगों का सिमिलिटी क्या क्या होगा, कितना होगा, एकदम कम से कम होगा, उसका भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ तुम्हारा वो है करेक्टराइजेशन है, मेरा भी ऑर्गन सिस्टम लेवल करेक्टराइजेशन इतना तक ही है, और उसके बाद ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग ऊपर जितना जाएंगे किंगडम के तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों का जो कॉमन कैरेक्टर है वो घटता जाएगा, ठीक है, समझ में आया। बायनोमिकल बायोनोमियल, बायोनोमियल मतलब क्या, तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सीम्स टू बी डिफिकल्ट बिकॉज ए साइंटिफिक नेम इज डिराइव फ्रॉम क्यों, बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन, हम लोग लैटिन से, हर जो भी नाम जो भी कहीं भी डिस्कवर हो कहीं भी इन्वेंट हो हम लोग उसको लैटिन से लेते हैं। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका इंडिया का नाम, इंडिया में इंडिया को लैटिन में क्या बोलते हैं, इंडिका बोलते हैं, उसके बाद मैंगीफेरा, ऐसा हर देखना, जैसे कि होमोसेपियन ये भी लैटिन का शब्द, उसके बाद टू कंपोनेंट्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर, देखो जेनरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक, सब स्पेसीज नहीं होता, जैसे कि हम लोग का नाम क्या है, होमो होमोसेपियंस सेपियंस, ये हम लोग का नाम, ठीक है, ये है हम लोग का सब स्पेसीज, ये हम लोग का स्पीसीज, ये हम लोग का जन, लेकिन हम लोग क्या लिखने को मिलता है, होमोसेपियंस को मिलता है, ठीक है, सिर्फ होमोसेपियंस हम लोग, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी फॉर व्हिच ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो अगर डिवाइड कर, पहले एक था अभी दो बना है, तो उसका जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, सिनोनिमस टू क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन, ये आपका यूनिसेलुलर एल्गी अमोबा बैक्टीरिया, ठीक, ऑल ऑफ दिस, ठीक है,
क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट ऑल द बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया सब क्या होता है यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स, सेल डिवीजन ग्रोथ अगर सेल डिवीजन के ऑकर होगा, लेकिन यह स्पेसिफाई नहीं किया। अगर मान लो इधर प्लांट्स बोला, मान लो क्या बोला इसमें, बोला कि प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स इन प्लांट्स, क्या हो कंटिन्यूअसली ओनली अप टू सर्टेन एज, नहीं ओनली अप टू सर्टेन एज कंटिन्यूअसली, नहीं सेम ही ऑप्शन दिया, कंटिन्यूअसली नेवर, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली इन प्लांट्स क्या, एकदम डिफरेंट एकदम, क्या क्वेश्चन आ रही है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्वेश्चन एकदम गलत, गलत ही लग रहा है, ठीक। मैंने जो क्वेश्चन दिया था इसमें शायद थोड़ा क्या होता है कभी कभी जब लोग वर्ड से शिफ्ट करते हैं ना, वर्ड से चेंज करते हैं, कभी तो कभी कोई कोई ये हो जाता है, कोई कोई वर्ड मिस हो जाता है, इसकी वजह से आप लोगों को क्वेश्चन एकदम ये एकदम। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली ओनली अप टू सर्टेन एज इन प्लांट्स, ओनली अप टू सर्टेन एज ऑकर्स, ओनली अप टू सर्टेन एज, ये सही हो गया, गलत हो गया, ओनली अप टू सर्टेन एज एंड कंटिन्यूअस, नहीं कंटिन्यूअस होगा तो सर्टेन एज तक कैसे होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड नेवर ऑकर्स कंटिन्यूअसली एंड नेवर, ये तो ऑप्शन क्या है कोई नहीं पता, कंटिन्यूअसली इन प्लांट्स एंड कंटिन्यूअसली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। आप लोगों में एक बार ब्रीफली ये चैप्टर एक बार समझा देता हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जो छूट गया। देखिए ये जो चार रूल है 1, 2, 3 एंड 4, ये जो चार रूल है ये आप लोगों को एकदम मुंह जबानी याद है, ये रूल से कभी भी पूछ सकता है, जैसे कि आप लोगों को पूछ सकता है कि बॉटनिकल बायोलॉजिकल नेम जो है वो अगर आप लोग हाथ से लिखेंगे तो उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हो गया कि सिस्टेमेटिक्स क्या है, ठीक है, ब्रांच द ब्रांच स्टडी, देखिए ये जो ब्रांच है हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म क्या डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड जो भी पढ़ते हैं उसको कौन सा ब्रांच, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और एक आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये पूछ सकता है कि हर एक टेक्सोनोमिकल हायरार्की में जो एक नाम होता है, कोई भी अगर उठाए जैसे कि हम लोग कोडाटा उठाए तो इसको क्या बोलेंगे, एक टेक्सोन बोलेंगे, ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। और एक ये देखिए ये जो नाम हर जगह दिया है, मैरिंगिफेरा इंडिका सोलानम पेंथेरा, ठीक है, लायन का, पोटेटो का, टोमेटो का, ठीक है, ये सब आप लोगों को एक बार देख लेने के लिए, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा स्पेसिफिकली ये जो दिया है, मतलब फैमिली एक 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 हायरार्की सीख लीजिए, या फिर आप लोगों के आसानी के लिए बोल रहा हूँ ये सीख लीजिए, या फिर इधर से एक कैट का या डॉग का आपका आप हायरार्की सीख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन टफ भी आए, इसमें से टफ आने के चांसेस नहीं रहता मैक्सिममली, लेकिन अगर आए तो आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो और कुछ नहीं है इसमें, और तो है क्या, और अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हुआ, ठीक है, अगर मैंने जो चीज मैनुअल्स बॉटनिकल गार्ड वो जो दिया है वो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन रिसेंट लास्ट एडिशन में था, इस साल पूछ सकते हैं क्योंकि इस चैप्टर में और क्वेश्चंस है ही नहीं, ठीक है, और क्वेश्चंस है ही नहीं। ग्रोथ का जो मैंने ग्रोथ का भी बहुत क्वेश्चंस दिया है तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया गया है। तो आप लोग अगर मतलब आप लोग कवर नहीं कर पा रहे तब छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आप लोग नहीं करें, ठीक है। तो थैंक यू और